उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न संस्थाओं में भर्तियों में घपले का आरोप लगाया है। राज्यपाल से सीबीआई या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी विभागों की नौकरियों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। करण महारा ने बताया कि उत्तराखंड राज्य की जनता ने बहुत आशा और विश्वास के साथ भाजपा को भारी बहुमत के साथ डबल इंजन का तोहफा दिया था, लेकिन भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाली उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। वहीं राज्य सरकार ने नौजवानों को रोजगार मुहैया भी नहीं कराया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। राज्यपाल जी से मिले, जिसमें प्रदेश में चल रहे विभिन्न भर्ती घोटालों में संलिप्तता वाले सफेदपोश नेताओं और बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की हमने मांग की है, तथा साथ ही जो नौजवान नवयुवतियाँ अपनी मेहनत से निकले हैं, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको कोचिंग कराई थी, और जो निर्दोष हैं उनकी नियुक्ति की हमने मांग की है, और जो दोषी हैं उनको सजा की मांग हमने की है।